हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। वेलकम टू माय चैनल दिल्ली की कुड़ी का व्लॉग। सो दिस इज़ माय सेकेंड व्लॉग और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि 4 बजे तक भी मेरे घर की क्या हालत है। आप देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या कर रखा है। ये देखें मेरे घर का हाल, ये कितना बुरा मेरे घर का हाल इस वक्त हुआ पड़ा है। शाम के 4 बज रहे हैं और मेरा घर ऐसे ही पड़ा है अभी तक। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन जो कि पूरा फैला पड़ा है। सब ये बर्तन पड़े हैं मुझे वॉश करने के लिए जो अभी तक नहीं किए गए हैं। पूरा किचन ऐसे फैला पड़ा है सब। अभी चलते हैं दूसरे रूम की तरफ जिसका अभी हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये देखिए सब फैलावा हुआ पड़ा है ऐसे ही। सो अब आप सोच रहे होंगे कि शाम के 4 बज रहे हैं और शाम के 4 बजे तक कैसी है अपना घर इतना गंदा करके डाला हुआ है, 4 बजे तक भी सफाई नहीं की है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों। एक्चुअली मेरे हाथ में हुआ हुआ है फ्रैक्चर जिसकी वजह से मेरा ये राइट हैंड मैं ज़्यादा मूव नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए बस इतना मूव होता है। ये तो मैं मूवमेंट कर लेने लगी हूँ अब 6 वीक्स अराउंड हो गए हैं तो ये मूवमेंट होने लगी है। बट अभी मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता है और मैं ऐसे आगे अगर करना चाहूँ तो मुझे बहुत पेन होता है, इसलिए मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाती हूँ। लेकिन अभी फिर भी थोड़ा मूवमेंट होने लगी है हाथ की तो मैं काम कर रही हूँ। बट जब तक मेरे हस्बैंड या घर में सब लोग होते हैं तो मैं काम नहीं करती हूँ। जब सब चले जाते हैं तब मैं धीरे धीरे आराम से काम कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड की शिफ्ट चल रही है अभी दोपहर वाली, मतलब वो 3 बजे जाते हैं ऑफिस और रात को 3 बजे वापस आते हैं। तो अभी वो 3 बजे गए हैं, आज उन्हें वैसे लेट हो गया था, वो 3:15 अराउंड निकले हैं। उसके बाद मैंने अपना लंच वगैरह किया है उनके जाने के बाद और अब मैं धीरे धीरे घर की सफाई करूँगी, इसलिए मेरा घर ऐसा पड़ा है। तो आप लोग आई नो सोच रहे होंगे वैसे तो मॉर्निंग में ही रूटीन हो जाता है सब झाड़ू पोछे का सफाई का, बट क्योंकि मेरे हाथ की वजह से मैं अभी मॉर्निंग में नहीं कर रही क्योंकि मैं करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं है और तुम काम कर रही हो। और मेड हमने लगाई हुई नहीं है अभी, मैंने एक्सरे भी नहीं कराया है इसका दोबारा कि क्या कंडीशन है। बट आई नो काफ़ी बेटर है क्योंकि मेरा हाथ मूवमेंट थोड़ा मैंने स्टार्ट कर दिया। अपना स्लिंग मैंने 4 वीक्स में ही निकाल दिया, 6 वीक्स के लिए बोला था क्योंकि 3 फ्रैक्चर थे एक्चुअली मेरे। बट अब क्या कर सकते हैं, चोट है, घर ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना गंदा। तो अभी मैं जल्दी से इसे सबको क्लीन कर देती हूँ घर को और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैं जल्दी से आई हूँ अपनी चादर फोल्ड करने, ये सारी चादर ओढ़ने वाली है। रात को ओढ़ते हैं तो एसी चलता है तो दिन में भी ऐसे ही डाल के ओढ़ के रखते हैं, लेकिन जब सब चले जाते हैं ऑफिस के लिए तो फिर तो फोल्ड करके रख देती हूँ। उससे पहले तो कोई मानता नहीं है, बिल्कुल कश्मीर बना के रखते हैं घर को। एसी भी चलाना है और ब्लैंकेट्स भी लेनी है सबको, तो इसलिए सब फैलावा सबसे ज़्यादा चादर का भी लगता है। अब सारी चादर अकेले, एक तो मेरे एक हाथ से अच्छे से फोल्ड होने नहीं पाती है, बहुत पेन होता है हाथ में। तो एक हाथ से जिस तरह भी फोल्ड होती है मैं बस करके उसे अलमारी में रख देती हूँ। और जितना भी छोटा मोटा सामान इधर उधर रखा रहता है वो सब बच्चे वगैरह छोड़ देते हैं इधर उधर सामान, उनके कपड़े वगैरह वो सब मैं उठा के रख रही हूँ अलमारी में। सब मैले कपड़े, अलग बास्केट है मेरी वो मैं साइड में रखती हूँ, एक मैले कपड़ों की बास्केट, उसमें मैं सारे गंदे कपड़े डालती हूँ। ये मेरे ऑफिस का लैपटॉप है, मुझे चार्ज पे लगाना था तो अभी ऑफिस का लैपटॉप भी रख दे रही हूँ अंदर क्योंकि अभी कोई काम नहीं है सच लैपटॉप का। मुझे चादर ऐसे झाड़ के बिछाना बहुत पसंद है क्योंकि उससे धूल मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। अगर आप बिछा के वैसे झाड़ो तो वो क्लीन नहीं फील होता है मुझे, पता नहीं अपनी अपनी चॉइस है सबकी। मैं लेकिन ऐसे पूरा झाड़ के ही क्लीन करके अच्छे से झटक के फिर बिछाती हूँ दोबारा, उससे लगता है कि हाँ अच्छे से सारी धूल निकल गई है, उसके बाद बिछा दो तो अच्छा साफ लगता है। डेली तो चादर चेंज नहीं होती है एक्चुअली, मैं कोई चादर 2 दिन में, अगर वाइट चादर है तो वो 1 या 2 दिन में चेंज कर लेती हूँ लाइट शेड्स की। और ये डार्क कलर है और यहाँ पर कोई ज़्यादा इस रूम में बैठते नहीं हैं
तो मैं ये 1 वीक में चेंज कर देती हूँ। ये बाहर वाले कमरे में सब ऐसे ही छोड़ के चले गए मेरे हस्बैंड, कपड़े अपने गंदे। हस्बैंड्स का तो होता ही ऐसे, सब छोड़ जाते इधर उधर, बाद में हम वाइफ्स को सब उठा के अब उनकी जगह पे रखना पड़ता है सारा सामान। तो सेम मेरा भी वही केस है, सब जगह वो सामान फैला के चले जाते हैं, उसके बाद मैं उनके जाते ही सारा सामान अच्छे से रखती हूँ उठा के। जब वो जाते हैं, सब जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरा फैलावा करके चले गए हैं। अभी तो कोई बच्चा नहीं है घर में, तब भी ऐसा लगता है जैसे बच्चों वाला घर है। ये चादर मैंने सुबह भी अच्छे से झाड़ के बिछाई थी। सुबह उठने के वक्त मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ कि सबसे पहले उठ के मैं चादर सही करती हूँ। बट क्या है कि शाम हो गई है, अब तो शाम तक आते आते फिर से चादर थोड़ी सी वैसी हो गई है। और एक्चुअली इस चादर का साइज़ थोड़ा सा छोटा है मेरे बेड से, तो उससे भी चादर अच्छे से सेट नहीं हो पाती है, ये तो ख़राब लगने लग जाती है। अभी मैं जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल रही हूँ। वैसे तो इतना कूड़ा होता नहीं है घर में, बट पता नहीं धूल कहाँ से आती है बंद घर में भी, कि समझ ही नहीं आता है। लोगों के बड़े बड़े खुले घर होते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ तो पता नहीं कितना धूल मिट्टी आती होगी। मेरा घर तो बंद है, हाँ बड़ी खिड़कियाँ हैं बट वो हम बंद ही रखते हैं एसी की वजह से। सिर्फ लाइट आती है बाहर से, नेचुरल लाइट जो है वो आती है, शीशा लगा है तो खिड़कियाँ बंद ही रहती हैं, फिर भी धूल आती है। देखिए इतनी धूल निकल आई है, जबकि दिन में 2 बार झाड़ू लगती है, फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अब जल्दी जल्दी मेरी झाड़ू हो गई है। सो गाइज, मैंने कर लिया है पूरा घर साफ, सारा काम निपटा लिया है, और आप देख सकते हैं मेरी हाल पसीने से, बहुत गर्मी लग रही है। वो एक्चुअली एक हाथ से करना पड़ता है सारा काम, तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है, इसलिए ज़्यादा थोड़ी सी थकन फील होती है। तो अभी मैं जल्दी से नहाने जा रही हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नहा के आके फिर मैं बनाऊँगी वीडियो अपने दूसरे चैनल के लिए। तो मैं नहा के रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैं आ गई हूँ नहा के, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, नया चैनल है, आप ही के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।